क्या हुआ मामी जी? पुत्र कल करण की पांचवी पुण्यतिथि है, तो ऋषभ और प्रीता उसके सपनों को साकार करने के लिए नींव रखने जा रहे हैं। मतलब? पुत्र करण हमेशा चाहता था कि वो गरीब बच्चों के लिए एकेडमी खोले। जो बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते और फीस नहीं दे सकते उनके लिए एकेडमी खोले। तो इसलिए कल ऋषभ और प्रीता करण की सारी क्रिकेट की चीजें जैसे बैट बॉल ग्लव्स उसकी नीलामी करने जा रहे हैं, और पुत्र जो उनसे पैसे मिलेंगे ना वो नींव रखेंगे उस एकेडमी की। और करण तो हमारा फेमस था ना, बहुत फेमस है भी, तो न्यूज तो फैल जाएगी ना पुत्र, और जो गरीब बच्चे हैं वो आएंगे और उस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, तो करण कितना खुश होगा। अपुन की रानी, रियल लाइफ की भी रानी और पत्तों में भी रानी, क्या बोलता है? अब की बार मेरी सरकार, क्योंकि नाम है पृथ्वी राजकुमार। मिस तो बहुत किया होगा मुझे, है ना? देख भाई पृथ्वी, फिल्मी डायलॉग तो मार मत, आज अपुन सीरियसली खेल रहा है, मेरे को फोकस करने दे। आज अपुन गाड़ी खरीदने जा रहा है। क्या बोला? गाड़ी खरीदने, कार कार। अबे साइकिल बोलता तो यकीन भी कर लेता, गाड़ी खरीदेगा, शक्ल देखी अपनी। अबे तेरे को क्या लग रहा है, अपुन इस चौल में रहता है तो इसका मतलब अपुन के पास पैसे नहीं है? ये देख ये। पूरे 1,85,000 सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा जरूर। इन पैसों में से 15,000 रुपए कम है, और अगर मैं ये दाव जीत गया तो तुम लोगों के 5,000-5,000 में से 2,00,000 पूरे और अपुन गाड़ी खरीद लेगा। और ये रही अपनी चाल। तेरे को 15,000 रुपए कम पड़ रहे हैं क्या? हाँ तो मुझे बोलता ना। अबे तो दे ना। इसने सुना नहीं ठीक से, मैंने कहा मुझे बोलता ना, उस वक्त तूने नहीं बोला तो पैसे खर्च हो गए। तो बीवी को ना सोने की चूड़ियां लेके दे दी मैंने 15,000 रुपए की। अबे छोड़ छोड़, ये अकड़ वाली पकड़ कहानी सुनाना छोड़, पहला खोली का भाड़ा तो दे दे। ये आ गया अपना भाई, चल चल आ जा जा जा। चाय कैसा ले जाए बिला भाई को? क्या बोलते हैं, कौन जीता? अरे अभी कोई नहीं जीता, लेकिन अपुन को जीतने का है, और आज देखना है कि पत्ते किसके नसीब में। ये रही अपनी चाल। करण लूथर के बैट की नीलामी हो रही है, कितना अच्छा होता ना अगर मैं उसे खरीद लेता। मतलब उसके घर वाले लूथरस की आंखों के सामने उस गिल्ली डंडा प्लेयर का डंडा चला देता, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे घर जाके आराम करना चाहिए। ये रख, ये मेरे पैसे तू रख, यूं समझ ले मैं बाजी हार गया और तूने कार खरीद ली। मैं कल मिलता हूं। काव्या काव्या कहाँ हो आप? अरे सोने का टाइम हो गया है, कहाँ छुपे हो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हाँ काव्या,
जहाँ भी छुपे हो ना जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि मम्मा को आपको सुलाना है। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सोना नहीं है, चलो ढूंढो मुझे। शायद मुझे पता है कि आप कहाँ पर छुपे हो। वो तो मैं आपसे बाहर गई थी, इसलिए आपको पता चला कि मैं कहाँ छुपी हूँ। मेरी स्मार्ट बच्ची, यस। देखा, मैंने आपको पकड़ लिया, अब तो आपको सोना पड़ेगा। यहाँ पे बैठो, लाओ अपनी सैंडल्स, चलो सोएंगे अब। हाँ मामा आपको सुला देगी। हाँ मामा मैं तो सो जाऊंगी, बट आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे अभी स्टोरी सुनाओगे, राजा रानी और बच्चों वाली नहीं बल्कि एक फिल्मी स्टोरी। फिल्मी स्टोरी? टीवी तो आप मुझे देखने ही नहीं देते, इससे अच्छे तो टीवी की कहानी भी सुना दो, सब मुझे बच्चे समझते। मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि मैं स्मार्ट बच्ची हूँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आप बच्ची नहीं हो, आप स्मार्ट बच्ची हो। ये सब छोड़ो, आप मुझे स्टोरी सुनाओगी या नहीं? सुनाऊंगी, पक्का सुनाऊंगी। चलो आप सोने की कोशिश करो, मैं आपको कहानी सुनाती। तो ये कहानी है एक लड़का लड़की की। एक बहुत ही अकड़ू लड़का था, घमंडी, और जो लड़की थी वो बहुत प्यारी थी। लेकिन पता है क्या, वो लड़की बार बार गिरती रहती थी और लड़का उसे बार बार गिरने से बचाता था, और वो दोनों आपस में बहुत लड़ते थे, हर वक्त उनकी लड़ाई होती रहती थी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद मेरा छाता मुझे दे देना, क्योंकि मुझे बस से जाना है, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी गाड़ी तो तुम्हारी थर्ड क्लास सोसाइटी में आते ही खराब हो गई थी। एक बार उस लड़की ने गुस्से में लड़के को एक नाम दे दिया। आओ, देख के नहीं जा सकती। ओ हेलो, ये सब ना तुम्हारे करेले की वजह से हुआ है। नीचे गिर गया, मैं झुकी उठाने के लिए, तुम झुके, सर टकराए, मुझे भी दर्द हो रहा है। पता है क्या नाम दिया? बहुत फनी है, कड़वा करेला। और उस लड़के ने लड़की का नाम रखा कड़वी करेली। करेला तो यार मुझे, I mean, मुझे करेला पसंद नहीं, लेकिन मैं कैच कैच खेला था। करेला दो मुझे। नहीं देती, बोल। ओके। ऐसे इस वक्त तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है? जैसे करेले ने करेला पकड़ा। अरे आपको कैसे ये कहानी पता है? आपको किसी ने ये कहानी सुनाई है क्या पहले? नहीं मम्मा, आप मेरे से कम स्मार्ट हो। आपको पता है ना, अगर लड़का करेला हुई तो लड़की करेली हुई ना, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है। मम्मा ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी लगी ना? काव्या बेटा, काव्या। ओ नो मम्मा, आप करीना बुआ को बोल देना कि काव्या सो रही है, वरना करीना बुआ मुझे बहुत डांटेगी। इतने पैसे, मतलब रागी जी बुला दिया ना आपने, अच्छा हुआ आप आ गए महेशी। आपको तो पता ही है ना, ये पैसे वैसे का काम तो मैंने कभी किया ही नहीं, इसलिए पैसे गिनने में बहुत कमजोर हूँ मैं, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना। ये लो आप भी गिनो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। हेल्प तो मैं कर दूंगा राखी जी, लेकिन मतलब बताएंगे मुझे आखिर ये पैसे आए कहाँ से? अरे मेरे पैसे है, आए कहाँ से का क्या मतलब? राखी जी इस घर में जितने भी पैसे हैं वो सब आप ही के हैं। इस घर में जो कुछ भी है ना सब मेरा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये जितना भी कमाया हुआ धन दौलत सब कुछ है वो आपने और ऋषभ ने
बड़ी मेहनत से कमाया है। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन सब चीजों को संभाल के रखूं, पैसों को भी कम से कम खर्च करूं। अरे राखी, जो दुनिया की सारी औरतें यही करती हैं, इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन वो सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये बताइए ये 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 पैसा कहाँ से आया है, मतलब? अरे महेशी, ये मेरे पैसे हैं, मेरे अपने पैसे हैं, ये मेरा स्त्री धन है। सालों पहले माँ बाबू जी ने मुझे जो जेवर दिए थे ना, वो जेवर आज मैंने बेच दिए। वो जेवर बेच के मैंने ये सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। राखी, जेवर बेचने की क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसे कौन से पैसों की जरूरत पड़ी? आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई मुसीबत आई है इसलिए मैंने जेवर बेच के ये पैसे इकट्ठे किए। नहीं, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहती थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं ऐसा करूं, इसलिए किया। राखी जी, आपका जो दिल आया वो कीजिए, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे बता तो दीजिए आखिर ऐसा दिल क्यों कर रहा है आपका, मतलब? आपको याद है ना, कल हमारे करण की 5th डेथ एनिवर्सरी है और हमारे करण का सपना था कि वो एक क्रिकेट अकेडमी गरीबों के लिए खोलना चाहता था। कल ऑक्शन है जहाँ पे मेरे करण का बैट, उसका बॉल, उसके ग्लव्स, उसका हैट, वो सब कुछ ऑक्शन होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो सारा सामान मैं ही खरीद लूं। ऐसे करने से मेरे करण का सारा सामान मेरे पास ही रहेगा और उसका एकेडमी खोलने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये जेवर बेचे ताकि मैं मेरे करण की सारी निशानियां अपने पास रखूं। एक रिश्ता जिससे है हम सबकी पहचान, ममता के सबसे बड़े जश्न को मनाएगा हिंदुस्तान। 2 जुलाई से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। अर्जुन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? देखो स्निग्धा, अगर तुम उससे होने वाली साली की हैसियत से बात करना चाहती हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ अलग है, मतलब फॉलिंग इन लव टाइप्स, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आई मीन ही इज क्वाइट हैंडसम, हाँ, लेकिन मुझे पता है ये निधि का फियांसे है, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत करना और ऐसा कुछ सोचना भी मत, और अगर ऐसा कोई ख्याल दिल में आए भी ना तो उसे अपने दिल में ही रखना। ओके ओके। अरे लाइए, दीजिए मुझे, मैं पकड़ लेता हूँ। थैंक यू बेटा। तुम दादी, ये अर्जुन है, अर्जुन सूर्यवंशी, निधि का फियांसे। खुश हो बेटा, चले? नहीं अंजलि, ऐसे नहीं, तुम्हें एक दिन तो यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। हाँ रुकूंगा, पर यहाँ नहीं, होटल में। होटल क्यों? घर है हमारा, यहीं रहो हमारे साथ। दादी थैंक यू सो मच, आपने ये कहा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन द होटल। दादी भी कहते हो और होटल में रहने की बात भी करते हो, जबान और जज्बात अलग है क्या? नहीं, अगर अलग हैं तो बता दो। दादी ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली। नहीं अंजलि, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब ठीक है? क्या ठीक है? मेरी भी दादी है, मैं उन्हें ना तो नहीं भूल सकती। गुड स्निग्धा, रमेश से कह के अर्जुन के लिए कमरा खुलवा दो। देखो बेटा, इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है, तो मैं जो कहूंगी तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, ठीक है? अंजलि, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर हक जमा दे। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अरे अर्जुन सुनो तो। कल सुबह 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उस स्कूल में कौन आया है कौन गया है, मुझे हर एक मिनट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए।
तुम्हें पुलिस लगानी है, कॉन्टैक्ट लगाने हैं, फेवर्स लेने हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने, डू एनीथिंग, आई नीड द सीसीटीवी फुटेज, ओके? क्यों सर? नेवर आस्क मी क्यों, ओके? सिर्फ इतना समझ लो कि मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे फिर भी उस आदमी को ढूंढ के निकालना है, ओके सर? कब तक मिलेगा फुटेज? सर परसों तरसों तक। टुमारो 3 PM इज योर डेड लाइन, आई नीड द फुटेज, ओके? टाइम कम है, गेट ऑन टू द वर्क। सर अगर नहीं मिली, नहीं मिला तो मैं खुद जाऊंगा सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए, और अगर मैं जाऊंगा तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां पर। We have less time. Get on to the work. All right. Mr. Bia, school ki footage kya hua? Kya baat hai? Preeta ji ka peecha karte karte koi Kavya ke school tak pahunch gaya. What? Mujhe dhoondna hai ki wo kaun tha aur kyun Preeta ji ka peecha kar raha tha. Is baat se Preeta ji dari hui hai. और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि प्रीता जी डरी। कितना सहा है यार अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहता हूं कि अब वो डर के रहे। प्रीता जी और काव्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समीर, और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है। मेरे होते हुए अगर वो डर गई तो इट्स नॉट गुड फॉर मी। करण को मिस कर रहा हूं यार मैं। होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वो प्रीता जी और काव्या को शायद मुझसे ज्यादा खुश रखता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं यार। जितना जो भी कर पा रहा हूं मैं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रीता जी और काव्या। मुझे पता है मैं कितना प्यार करता था करण को। मेरे दिल में रहता है यार वो। जब से करण गए ना वो जगह खाली हो गई है यार। तू मुझे बता, करण के प्यार और उसकी बेटी का अगर मैं ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? किसी को बोलना मत कि मैं रो रहा था। अगर मुझे पता लगा ना कि किसी को पता मैं रोया, घुसने नहीं दूंगा ऑफिस में। नो क्राइंग है जस्ट। हमारे लिए अच्छा होगा। तुम ऋषभ और प्रीता से बदला लेना चाहते हो ना? तुम्हारा हमारा बदला? अर्जुन देखो, तुम मेरी फैमिली हो, और अगर मेरी फैमिली के साथ कोई कुछ गलत करता है, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो वो मेरा भी दुश्मन है। अर्जुन, जैसे ही हम लोग ऋषभ और प्रीता से बदला लेना शुरू करेंगे ना, उन्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कोई अर्जुन सूर्यवंशी नाम का आदमी है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। फिर उन्हें तुम्हारा लास्ट हॉस्पिटल रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम एयरपोर्ट से एक्सीडेंट के बाद सीधा हॉस्पिटल आए थे। उसके बाद वो लोग ये पता कर लेंगे कि तुम लंदन में रहते थे। उसके बाद ये पता चल जाएगा उन्हें कि तुम लंदन में कब से रह रहे थे, और तुम लंदन कब गए, वो भी इंडिया से। और बस उसके बाद वो लोग रुकेंगे नहीं, उन्हें और चीजें पता चल जाएंगी। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि तुम हॉस्पिटल में थे पहले, तुम्हारे साथ हादसा हुआ था, तुम नदी में डूब रहे थे, मगरमच्छ तुम्हें खा रहा था, और निधि हिंदुजा ने तुम्हें बचाया। उसके बाद उनके लिए ये पता करना बहुत इजी है कि वो नदी कौन सी थी, और बस उसके बाद तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अर्जुन नहीं करण हो, और आज भी जिंदा हो। तो पता चलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, जोश में होश खोना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो अर्जुन, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उनके पीछे कौन पड़ा है। तुम कौन हो? उन्होंने धोखा दिया ना तुम्हें, तो बस तुम भी उन्हें धोखा दो। तुम्हें धोखा देते वक्त उन्होंने अपना असली चेहरा तुम्हारे सामने नहीं आने दिया। तुम भी अपना असली चेहरा उनके सामने मत लाओ। जो नरक उन लोगों ने तुम्हें दिया है ना, तुम भी उन्हें वही नरक दो।
छल को छल से काटो। काटूंगा, धोखे को धोखा दूंगा। जिस नर्क की आग में उन्होंने मुझे जलाया ना, उसी आग में मैं उन्हें भी जलाऊंगा। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, मगर उनकी जिंदगी में मैं जाऊं कैसे? इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। फाइन, यू विल बी सो प्राउड ऑफ मी, मेरी ना तारीफों के पुल बांधोगे तुम जब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी। कल करण की फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी है और वो लोग उसका क्रिकेट स्टंप नीलाम कर रहे हैं। यही मौका है उनकी लाइफ में जाने का।